सर बबुल सिम का यही है, मतलब कि ज़्यादा बबुल सिम इतना करता है कि या मुझे नहीं पता है ना बैट्समैन को पता चलता है ये बॉल कितना करता है। कभी वो सीधा भी रह सकता है, कभी अच्छा कर सकता है। तो मुझे यही सक्सेस मिला कि जितना मैं बबुल सिम डाला, मैं आप देखे होंगे मैं काफ़ी विकेट तो मैं बबुल सिम में लेता हूँ, तो वो मेरे लिए इफेक्टिव है और मुझे सक्सेस भी मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट बबुल सिम पे करता हूँ। हाँ सर, क्योंकि जब मेरा IPL ख़राब गया था तो मैंने सोचा था कि मेरा वाइट बॉल भी एक अच्छा जाना चाहिए, मेरा वाइट बॉल भी रहना चाहिए। तब मैं धीरे धीरे जब मैं वाइट बॉल पे वर्क किया, फिर मेरा एक एक दो मैच मेरा अच्छा जाने गया, तो वो कॉन्फिडेंट खुद ब खुद ही मेरे पास आते गया। तो मैं वही ट्राई कर रहा था कि मैं वो कॉन्फिडेंट को बिल्ड करते जाऊँ, और मेरा माइंडसेट ज़्यादा मैं परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं सोचता था। पहले मैं परफॉर्मेंस के बारे में सोचता था, मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, देन फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि परफॉर्मेंस वो हो या ना हो, मेरा हर बॉल एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो तब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा भी गया, और विकेट नहीं मिले कोई परवाह नहीं, जब मेरा लाइन और लेंथ एक जगह गिरे मुझे वही सेटिस्फाई मिलता है। हाँ सर, यार ये सीरीज़ तो बहुत ही अच्छी गई है। मेरा एक ही प्लान था सर कि जितना हो सके मैं न्यू बॉल से विकेट लेके आगे वाले को प्रेशर डलाओ ऑपोजिशन टीम के लिए। तो मेरा एक ही प्लान था कि जितना हो सके मैं स्विंग कराने जाऊं और विकेट लूँ, अगर वहां से दो तीन चौके भी जाते तो कोई बात नहीं, जब मेरे को एक एक दो विकेट मिलती है तो फिर आगे ऑपोजिशन टीम बैकफुट में जाती। हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल मैच रहेगा मेरा होम ग्राउंड में, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट मिला क्योंकि वहाँ पर खाली IPL खेला मैं वो ग्राउंड में, तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि मेरी फैमिली आएगी वहाँ पर, तो मेरे फ्रेंड्स आएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे जो भी वहाँ पर कोचेस है जो भी है वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा उनके सामने इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। सर एडजस्ट ये है कि अब देखिए, अगर आप वनडे हो या T20 और टेस्ट में, लाइन तो वो ही इंपॉर्टेंट रहती है वहाँ पर। अगर लाइन और लेंथ आप वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहाँ से बैट्समैन वहाँ से मारना बहुत ही ईजी नहीं है। तो आप या टेस्ट मैच रहने दो या T20 रहने दो, आप एक जगह एरियाज पे डालते रहेंगे तो बैट्समैन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा।